हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं SOL न्यू बैच 2024 के बारे में। जिन्होंने SOL में 2024 में एडमिशन लिया है, एडमिशन के बाद का प्रोसीजर क्या रहेगा, कब आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे, कब आप सभी को बुक्स मिलेंगी, क्लासेस स्टार्ट होंगी, इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट क्या होता है, कैसे देना होता है, कहाँ पर देना होता है, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे या बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपके एडमिशन के रिगार्डिंग, एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो भी वीडियोस रहती हैं, जो भी अपलोड की जाएंगी, उसका जो नोटिफिकेशन वो आप तक नहीं पहुंचेगा, जिससे आपका लॉस होगा। तो यहाँ पे अगर आप हर एक अपडेट चाहते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग, एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप सभी का जो एडमिशन का प्रोसीजर होगा वो आपको कंप्लीट करना होगा। एडमिशन के लिए किस तरह से आपको अपना फॉर्म फिल करना है वो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड की है। तो अगर आपने अभी तक अपना एडमिशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर दें। और ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके अभी तक डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन नहीं हुए हैं, या अगर उनको या आपको अभी तक पेमेंट करने का लिंक प्रोवाइड नहीं हुआ है, तो आप सभी लोग वेट करिए, आप सभी को जो है पेमेंट करने का जो लिंक है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी तरफ से जो काम करना था वो कर दिया है। अब ये बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं ये SOL वालों की है, SOL आपका जो है सॉल्व करके देंगे। इसके बाद दोस्तों एडमिशन हो जाने के बाद आप सभी को जो है SOL की तरफ से बुक्स मिलेंगी। बुक्स जो है दोस्तों सितंबर तक अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर में आप सभी की जो बुक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 16 अगस्त या 18 अगस्त से आपके सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के जो बुक्स हैं वो मिलना स्टार्ट होंगी। तो अगस्त के बाद सितंबर में आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। इसके बाद ही दोस्तों सितंबर में आपके जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस जो रहेंगी दोस्तों ये दिल्ली में ही चलाई जाएंगी, और दिल्ली में आपका जो SOL का नॉर्थ कैंपस है वहाँ पर भी चलाई जाती हैं, कुछ साउथ कैंपस है वहाँ पर भी चलाई जाती हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करूँगा कि आप सभी के जो क्लासेस है कहाँ कहाँ चलेंगी, किस कोर्स की कहाँ पर चलेंगी, बॉयज़ को कहाँ जाना होगा, गर्ल्स को कहाँ जाना होगा, तो उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो उसके लिए भी यहाँ पर आप वेट करिए, सितंबर में आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों क्लास स्टार्ट होने के बाद आप सभी के जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं वो आपको देना होता है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर SOL में आपके दो एग्जामिनेशन होंगे। एग्जामिनेशन का मतलब एक आपका थ्योरी वाला एग्जाम होगा, एक इंटरनल असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट के लिए दोस्तों आपको कहीं पर भी जाने की या कहीं पर भी जो पीडीएफ फॉर्म में या आपको लिखकर देने की जरूरत नहीं होती है। इंटरनल असेसमेंट दोस्तों केवल आपका ऑनलाइन होता है, आप फ़ोन के जरिए इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट देने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको जो है सिंपली आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर जाना होता है, जो कि आई थिंक डिजिटल, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब यहाँ पे आप किसी भी ब्राउज़र में प्रज्ञान DU SOL सर्च करेंगे तो पहला जो लिंक आएगा यहीं पर आपको अपना जो है इंटरनल असेसमेंट देना होगा। इंटरनल असेसमेंट के लिए दोस्तों आप सभी को जो है लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आपको एक यूज़र ID, एक पासवर्ड आपको दिया जाएगा, जिसके ज़रिए आप अपना इंटरनल असेसमेंट दे पाएंगे। इंटरनल असेसमेंट देने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आपको घर बैठे देना होता है। ये जो इंटरनल असेसमेंट होता है दोस्तों ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी आप अपने सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और यहाँ पे आपके जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं या जनरल इलेक्टिव हैं या जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक आध सब्जेक्ट को छोड़कर ऑलमोस्ट सभी कोर्सों के या सभी सब्जेक्टों के इंटरनल असेसमेंट आपको देने पड़ते हैं। तो जो इंटरनल असेसमेंट है दोस्तों ये आपका कहीं ना कहीं दिसंबर के एंड वीक में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आपका एकेडमिक कैलेंडर आया है जिसमें बताया गया है कि आपके सभी के एग्जामिनेशन जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन है ये आपके जनवरी में स्टार्ट होंगे। तो एग्जामिनेशन से पहले जो थ्योरी वाले एग्जामिन है उससे पहले ही आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे। तो ये अप्रोक्स लगा सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिसंबर या जनवरी में आपके इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे और जनवरी में आपके जो है थ्योरी वाले एग्जामिनेशन होने वाले हैं। थ्योरी जो इंटरनल असेसमेंट रहेगा दोस्तों ये आपका 25% इसकी वेटेज रहती है, और बाकी जो 75% वेटेज है ये आपके थ्योरी वाले एग्जामिनेशन की रहती है। अब यहाँ पे थ्योरी में और इंटरनल असेसमेंट में पासिंग क्राइटेरिया क्या है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने पहले से बना के दी है, तो उस वीडियो को भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे
जो आपका इंटरनल असेसमेंट कह लीजिए, या अगर आप अपने स्टडी मटेरियल या स्टडी करना चाहते हैं, बुक्स परचेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जो है गूगल पे सर्च करके, कहीं से भी आप सर्च करके जो है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के या फर्स्ट ईयर की बेस्ट बुक कौन सी है, वो आप मार्केट में जाके परचेस कर सकते हैं। अगर आप परचेस नहीं करना चाहते हैं, केवल आप पास होना चाहते हैं, तो SOL की जो सॉफ्ट कॉपी बुक हैं, वो बेस्ट बुक हैं, उन्हें आप जो है पढ़ के आराम से पास हो सकते हैं। और किस तरह से आपको अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है, इसके ऊपर भी वीडियो प्रोवाइड की है मैंने, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों और कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं आप सभी के लिए, बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप सभी की क्लासेस, स्टडी मटेरियल, बुक्स या फिर आपके इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन कब होंगे। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन हो गया है, आईडी कार्ड फिर रिसिप्ट आ गया है, वो अभी से पढ़ना जो है स्टार्ट कर दे, क्योंकि अभी आपका जो अगस्त मंथ चल ही रहा है, अप्रोक्स यहाँ पर आपके पास 4 मंथ हैं जो कि आप आराम से अपना एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट की बुक है, बुक्स कह लीजिए, जो स्टडी मटेरियल है, किस तरह से आपको डाउनलोड करना वो बता रखा है, तो आप उसे जो है डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। इसके अलावा जो फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं, सिलेबस हैं, इसके ऊपर भी डिस्कशन कर दिया गया है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो इसके अलावा अगर आपको अपने एडमिशन के रिगार्डिंग, एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है, कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टा पर फॉलो करके या सोशल मीडिया फॉलो करके अपने पर्सनल डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।